विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के चुनाव प्रचार करने को लेकर कांग्रेस द्वारा डाले जा रहे हो हल्ला पर सीएम जयराम ठाकुर ने जवाब दिया। सिद्धपुरी में चुनाव रैली को संबोधित करने के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुमत वाले राज्यों में स्पीकर व डिप्टी स्पीकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेते हैं, हिमाचल में भी ले रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि माहौल और परिस्थितियों को देखकर कहा जा सकता है कि जिस तरह का समर्थन व सहयोग मिल रहा है दोनों सीटें बीजेपी ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि धर्मशाला के लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया। वे याद रखें कि हमारी सरकार कागजों में कुछ करने की बजाय जमीन पर काम करने में विश्वास रखती है और उसी के आधार पर काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही केंद्रीय विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा, इसके लिए सरकार काम कर रही है। बीजेपी सरकार धर्मशाला को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने कहा कि ये धर्मशाला का सौभाग्य भी है और सरकार की धर्मशाला के प्रति वचनबद्धता का परिणाम भी। एक साल के भीतर दो बार देश के प्रधानमंत्री धर्मशाला आएंगे। पूर्व की सरकारों में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। सीएम ने इस दौरान प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना, हिम केयर योजना सहित अन्य योजनाओं का जिक्र किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने पार्टी प्रत्याशी विशाल नेहरिया को भारी मतों से जिताने का आग्रह किया और कहा कि इस बार धर्मशाला की जीत ऐतिहासिक होगी। कांग्रेस द्वारा उपचुनावों में सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का मुख्यमंत्री ने खंडन किया और कहा कि ये आरोप निराधार है। सभी मंत्री अपने निजी वाहन प्रयोग कर सकते हैं और वे खुद भी धर्मशाला अपने निजी वाहन से आए हैं। उपचुनाव में प्रचार के दौरान भाजपा अधिकतर मोदी के नाम पर ही वोट मांगती नजर आई। सीएम ने कहा कि केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और हिमाचल में भी बीजेपी की सरकार है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। यहां पर बीजेपी की जीत होगी और अच्छी जीत होगी। हिमाचल को बेचने का प्रयास करने के कांग्रेस के आरोपों पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बात का जवाब हिमाचल की जनता कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में दे चुकी है, इस बारे में वे ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, कैबिनेट मंत्री विपिन परमार, विक्रम ठाकुर, सरवीन चौधरी, सांसद किशन कपूर, विधायक अरुण मेहरा, मुल्क राज प्रेमी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोलन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रसीद अंसारी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान यूपीए को जमकर कोसा और कहा कि कांग्रेस ने केवल भारत का शोषण किया है। उनके शासनकाल में अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था, महंगाई अपने चरम पर थी, बेरोजगारी अपने शीर्ष पर थी, लेकिन एनडीए ने सत्ता संभालते ही सभी बुराइयों को व्यवस्थित करना आरंभ कर दिया है, जिसकी वजह से आज भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बड़े यदब से लिया जाता है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रसीद अंसारी ने इस मौके पर कहा कि वे सिरमौर के पच्छाद में हो रहे उपचुनाव में रीना कश्यप के लिए समर्थन जुटाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि पच्छाद में कांग्रेस ने काफी वर्षों तक राज किया, लेकिन विकास के नाम पर ये विधानसभा क्षेत्र जीरो रहा, लेकिन जब से भाजपा के विधायक यहाँ से जीते हैं उन्होंने यहाँ विकास के नए आयाम लिखे, यही वजह है कि लोगों का रुझान भाजपा के प्रति देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पच्छाद वासियों को संदेश देना चाहते हैं कि अगर वे अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ एक बार फिर से मजबूत करें। सोलन एसएफआई 18 से 20 अक्टूबर को हमीरपुर में एक राज्य स्तरीय बैठक करने जा रही है, जिससे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसके तहत एसएफआई सरकार द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा करेगी, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में भी रूसा सिस्टम को शुरू करने की बात कही गई। वहीं सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालय अध्यापकों की कमी है, इन पर भी एसएफआई चर्चा करेगी। साथ ही आए दिन प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों व रेप जैसे मामलों पर भी एसएफआई चर्चा करेगी।
इसके लिए पीजी कॉलेज सोलन के एसएफआई इकाई ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं, जिसके लिए एसएफआई सोलन के आसपास के क्षेत्रों में जाकर जहां लोगों से चंदा इकट्ठा कर रही है, वहीं हमीरपुर में होने वाली बैठक में उठाए जाने वाले इन अहम मुद्दों को भी लोगों के समक्ष रख रही है। वहीं एसएफआई सोलन इकाई के सदस्य गरिमा ने बताया कि एसएफआई 18 से 20 अक्टूबर को हमीरपुर में एक राज्य स्तरीय बैठक करने जा रही है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसके तहत एसएफआई सरकार द्वारा लाई गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा करेगी, जिसके मुताबिक सरकारी स्कूलों में भी रूसा सिस्टम को शुरू करने की बात कहेगी। वहीं सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, इन पर भी एसएफआई चर्चा करेगी। साथ ही आए दिन प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचारों व रेप जैसे मामलों पर भी एसएफआई चर्चा करेगी।